हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण लोहाना और आज हम आपके सामने लाने चाहते हैं सुपरस्टार अंकित खंडेलवाल, जो कि एंकर हैं और बहुत सारे इतने परफॉर्मेंस कर चुके हैं, इतने सारे इवेंट्स, शोज, बहुत सारे लाइक राजस्थान, हर एक डिफरेंट सिटीज़ में भी जा चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे इनका पूरा करियर बना, कैसे इनके अप एंड डाउन्स में उसने ग्राफ पूरा पकड़ा है। तो जस्ट थैंक यू वेरी मच तरुण भाई। और देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट ए सुपर स्टार, मैं एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ। और आपने कहा कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था 1 December 2002 को। उस वक्त मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक एंकर की ज़रूरत है, तो बोले तू कर लेगा। मैंने कहा भाई मैं कर तो लूँगा, तू झेल लेगा। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई और फर्स्ट शो मैंने किया 1 December 2002 को। वो लेडी संगीत का एक इवेंट था एंड वो महारानी पैलेस जयपुर में मैंने किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा शायद कुछ अच्छा किया होगा, तभी उन्होंने ऐसा तारीफ की, अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर 2002 से लेकर 2010 तक अप एंड डाउन चलता रहा, बहुत सारे शोज़ हमने किए। फिर उसके बाद 2010 में मेरे को एक कॉरपोरेट कंपनी में एक इवेंट करने का, होस्ट करने का एक मौका मिला। फिर वहाँ से कॉरपोरेट लाइफ की स्टार्टिंग हुई और फिर बस ये सिलसिला चलता रहा। इट्स रियली अमेजिंग। और आज ये हर डिफरेंट सिटीज और मेन इम्पोर्टेंट हर बड़े इवेंट्स में अंकित खंडेलवाल जी रहते हैं, जो कि हर एवरी इवेंट, जो भी फंक्शन हो, चाहे वो कल्चर्स के रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो वो भी ये पूरा हैंडल कर लेते हैं। तो अंकित जी, ये बताइए कि आपने बी फार्मेसी भी की है, ऊपर से आपने MBA भी किया है पुणे में, राइट? तो वहाँ से लेकर डायरेक्टली एंकरिंग में आपकी जर्नी, इतने सारे अप एंड डाउन्स, ऊपर से आप गांव में भी होस्ट करते हो, ऊपर से फिर से आपने, मैंने सुना है आपने फॉरेन कंट्रीज में भी, और मैंने खुद देखा है और मैं खुद इतना शौक हो गया हूँ, लाइक गांव भी, बॉम्बे सिटीज़ जैसे बड़े यू कैन से लाइक मेट्रो सिटीज़ एंड ऑल, फिर फॉरेन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑसम। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप ये सब चीज़ें कैसे कर पाते हो मैनेज में, सच में कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं। तरुण भाई देखिए, कुछ स्पेशल नहीं है एंड बेसिकली इट इज़ माई पैशन। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने बी फार्मेसी किया, उसके बाद MBA किया सिम्बायसिस पुणे से। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ भी करना है बट उसकी एजुकेशन वो मस्ट है। आप कुछ भी कीजिए बट एजुकेशन इज मस्ट। आप अगर घर में भी बैठे हैं, अगर हाउस वाइफ भी है, तो एजुकेशन इज मस्ट, बिकॉज एजुकेशन से ही सब कुछ आप लाइफ में कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि हाँ, मैंने एक छोटे से छोटे गांव में तक में इवेंट होस्ट किए हैं और फिर मुंबई या फिर फॉरेन कंट्रीज, यस मैंने मलेशिया और सिंगापुर अदर कंट्रीज में भी होस्ट किया है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एंड एक एंकर जो होता है ना, इंडिया में एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज कॉल्ड एंकर, फॉरेन कंट्रीज में एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ सेरेमनी। बेसिकली जो एक एंकर होता है वो एक मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है, हु कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, जो सब कुछ मैनेज कर सके। बिकॉज इवेंट क्या होते हैं, बहुत बड़े लेवल के होते हैं और उसमें कब क्या होगा नोबडी कैन प्रिडिक्ट। तो वो एंकर एक ऐसा पर्सन होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, अगर कुछ अप एंड डाउन हो रहा है तो वो उसको मैनेज कर सके। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, ये सब किसी को बुला लिया, कुछ कर दिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एज मास्टर ऑफ सेरेमनी। मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब वो है कि अगर पूरे इवेंट में कुछ भी अप एंड डाउन हो तो वो उसको मैनेज कर सके। बिकॉज अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मास्टर ऑफ सेरेमनी के कंधों पर इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी होती है, ये उसको समझना चाहिए। और अगर आप दिल से कुछ भी कर रहे हो ना, बेसिकली एंकरिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन। मैं पैशन को ही प्रोफेशन बनाया, तो इसलिए जैसे कई बार मेरे से पूछा जाता है, आप मैराथन जब मैं होस्ट करता हूँ तो मेरे को 16-18 आवर्स होस्टिंग करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। तो 18 घंटे भी मेरे को होस्टिंग करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैं टायर्ड हूँ। लाइक अभी मैं लास्ट 3 days से आपके साथ में हूँ और मैं यहाँ पे होस्टिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ, कंटिन्यू बट मुझे अभी तक भी टायर्डनेस फील ही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ एंकरिंग इज़ माई फूड, तो मुझे एनर्जी मिलती है बेसिकली उससे। अगर मैं पूरे दिन भर भी नहीं खाऊँ और एंकरिंग करता रहूँ तो भी मेरा काम चलता है, पता नहीं भगवान की इच्छा है। तो मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं खुद 5-10 लोगों के सामने भी हड़बड़ा जाता, इवन मैं मेरे फ्रेंड्स के सामने भी, तो आप इतनी लाखों पब्लिक के सामने कैसे कर पाते हैं, वो भी इतने सारे
इतने स्टेज में जहाँ पे हजारों लाखों भीड़ होती है, लाइक आई एम रियली कंफ्यूज। तरुण भाई देखिए इसमें सिंपल, ये मेरे मेरे से तो नहीं हो पाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, भगवान ने हर इंसान को एक अलग पर्पस के लिए बनाया है। हर इंसान एंकर नहीं हो सकता, ठीक है, और हर एंकर सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एंकरिंग करता है वो व्यक्ति उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे सामने 5 या 10 लोग हों या फिर लाखों की भीड़ हो, वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो नेचुरल जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। कुछ भी बनावटी या फिर ऐसा होता है ना कि ऐसे टोन में आवाज़ निकाल रहे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं करता। कल मैं जब बैठा था तो मुझे किसी ने पूछा यहाँ पे कि बोले यार आप हमेशा ऐसा ही मीठा ही बोलते हो। मैंने कहा इट्स माई नेचुरल वॉइस, मैं ना तो कुछ प्रिडिक्ट करता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। और जब आप नेचुरल रहते हो ना, दिल से निकले भी आपकी हर बात दिल तक जाती है और हर चीज़ मुमकिन हो पाती है। तो मेरे मन में दूसरा सवाल ये है कि ऐसे कोई सिस्टम नहीं होता कि एक आपको लिस्ट मिली भले उस हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से कभी नहीं होता। जैसे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेज में इवेंट्स चल रहे हैं, बीच में ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, तो भी उन दिक्कतों को लाइक वो प्रॉब्लम को फेस करके हमें वो सॉल्व करना पड़ता है, तो वो कैसे हो पाता है? बिकॉज इतनी लाखों पब्लिक के सामने तो इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, एंड नेचुरल तो होता ही नहीं। आप फिर भी उसको कोप अप करना, मैनेज करना, उसको सॉल्व करना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, एंड टू मेक इट सक्सेसफुल दैट्स द मेन थिंग। तो आई एम रियली हाउ दिस हैपेंस। तरुण भाई योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वैलिड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। रीजन क्या होता है, हर इवेंट मैं जब मेरी टीम से डिस्कशन भी करता हूँ या किसी से डिस्कशन करता हूँ, बहुत सारे एंकर्स मेरे पास में आते हैं तो वो पूछते भी हैं सर एंकरिंग कैसे की जाती है, हमें सिखा दीजिए। तो मैं उनसे सबसे पहले ये कहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एज ए एंकर, एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी आपको क्या बोलना है, और ये भी पता होना चाहिए कि एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी आपको क्या नहीं बोलना है। पहला लेसन मैं उनको ये सिखाता हूँ। दूसरी बात मैं उनसे ये कहता हूँ, जिंदगी में हमेशा ये बात गांठ बांध लें कि आपके इवेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या एरर्स होगी ही होगी, लेकिन नाउ इट इज योर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन एरर्स को कैसे मिनिमाइज करते हो, या एरर होगी लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हो गया। लाइक बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भी होते हैं। इवन IPL के इवेंट के अंदर लाइट चली गई थी, वो 2-3 मिनट्स लाइट चली गई, इट इज नॉट ए फॉल्ट ऑफ मास्टर ऑफ सेरेमनी, बट वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी भी एंकर ने इस बात को समझ लिया कि हाँ अगर इवेंट में कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मैनेज करे, तो उस दिन वो सही मायने मास्टर ऑफ सेरेमनी बन जाता है। और ये बात सबसे पहले एंकर को या मास्टर ऑफ सेरेमनी को समझनी चाहिए कि इवेंट में कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो वो उसको मैनेज करना है, बिकॉज उसके पास एक माइक की पावर है। जो माइक की पावर होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे एक कलम की पावर होती है, वैसे ही अपने आप में एक माइक की पावर होती है। आप माइक के थ्रू कुछ भी करवा सकते हो, सो बस छोटी सी चीज है। और आप जो भी कर रहे हो दिल से करो और बी नेचुरल। कोई भी चीज आर्टिफिशियल मत करो कि बनावटी है, ओ माय गॉड अरे यार भैया आराम से बोलो, मुझे ऐसा लगता है। इट इज माई पर्सनल फीलिंग। और अगर आपने कोई भी काम दिल से किया ना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एंकरिंग हो या कुछ भी हो, आपकी सक्सेस डैम श्योर है, 100% इज मस्ट। तो इसी के साथ हम अपने सवालात खत्म करते हैं।